एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन समझेंगे इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या होता है और वे कौन से मटेरियल है जो इलास्टिक हिस्टेरेसिस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने समझा था, हुक्स लॉ अपन ने देखा था और स्ट्रेस और स्ट्रेन में अपन ने रिलेशन देखा था कि वे दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हुक्स लॉ को परफेक्टली ओबे नहीं करते हैं। उन मटेरियल्स के बारे में अपन इलास्टिक हिस्टेरेसिस में समझेंगे। इसको समझने के लिए अपन को क्या करना है, अपन को एक रबर का थिक वायर लेना है। उस रबर के थिक वायर का वन एंड जो है उसे अपन को हुक से अटैच करना है और जो रबर के थिक वायर का दूसरा एंड है वहाँ पर अपन को वेट्स को अटैच करना है। कंटिन्यूसली अपन को दूसरे एंड पर वेट की वैल्यू है उसको इंक्रीज करते जाना है धीरे धीरे। जैसे जैसे अपन वेट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होगा जिसकी वजह से जो रबर है, जो थिक वायर है रबर का, उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। उसकी लेंथ में अपन को एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप उसमें वेट्स को लोड करते जाएंगे जो वायर है उसकी लेंथ में अपन को एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, लेंथ भी उसकी बढ़ती जाएगी। एक बार यहाँ तक अपन देख लेते हैं। अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इलास्टिक हिस्टेरेसिस इज इन टर्म्स ऑफ द रबर थिक वायर विद द वेट्स अटैच टू इट। इफ वन ऑफ द एंड ऑफ द रबर वायर इज हंग ऑन अ हुक एंड अ स्मॉल वेट्स आर अटैच टू द अदर एंड ऑफ द वायर वंस एट अ टाइम इट विल गेट लॉन्गर। जैसे जैसे अपन वेट अटैच करते जाएंगे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी। आप इस वीडियो को आराम से देख करके पूरे नोट्स आराम से आप बना सकते हैं। जैसे जैसे अपन वेट्स को अटैच करते जाएंगे उसकी लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। जो वायर उसकी लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे अपन और वेट को लोड करते जाएंगे वायर की लेंथ में अपन को एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। यानी कि अपन जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं स्ट्रेन भी उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर स्ट्रेन अपन को देखने को मिलेगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन वेट्स को एक एक करके अनलोड करेंगे। अभी तो अपन ने वेट्स को लोड किया था, वेट्स की वैल्यू बढ़ाई थी, अपन अब क्या करेंगे वेट्स की वैल्यू को अनलोड करेंगे, एक एक करके वेट की वैल्यू को कम करेंगे। जैसे जैसे अपन वेट कम करेंगे अब क्या होगा, जो वायर है उसकी लेंथ में कमी आएगी। वायर जो है उसकी लेंथ में अपन को कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा, जो उसकी लेंथ है वह पहले से शॉर्टर हो जाएगी। जैसे जैसे आप वेट्स को रिड्यूस करोगे, एज द वेट्स आर टेकन ऑफ ईच वेट दैट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक लेंथ एज इट इज वॉज लोडेड ऑन टू द वायर नाउ प्रोड्यूसेस अ स्लाइटली शॉर्टर लेंथ एज इट इज अनलोडेड। इस बात को काफ़ी ध्यान से समझिएगा। जब अपन ने वेट्स को लोड किया था तो एक पर्टिकुलर वेट ने एक पर्टिकुलर स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई किया था, उस स्ट्रेस की वजह से उसकी जो लेंथ की वायर की जो लेंथ है उसमें अपन को एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन देखने को मिला था। यानी कि अपन ने जैसे ही उस पर वेट अप्लाई किया, एक पर्टिकुलर वेट अपन ने उस पर अप्लाई किया उसकी, जिससे उसके ऊपर स्ट्रेस लगा, उस स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन अपन को देखने को मिला था। अब अपन जैसे ही अनलोड कर रहे हैं, अनलोडिंग के पीरियड में भी क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे अपन स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, जिस अनुपात में लंबाई बड़ी थी वायर की उसी अनुपात में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए लंबाई। जिस अनुपात में लंबाई उसकी बड़ी थी लोडिंग के पीरियड में, जैसे अपन अनलोड कर रहे हैं वेट को कम कर रहे हैं उसी अनुपात में उसकी लंबाई क्यों नहीं कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा अपन को देखने को नहीं मिलता है। अनलोडिंग के पीरियड में अपन को क्या देखने को मिलता है, द वायर नाउ प्रोड्यूसेस अ स्लाइटली शॉर्टर लेंथ एज इट इज अनलोडेड। जिस स्ट्रेस के लिए जितनी स्पेसिफिक लेंथ में एक्सटेंशन हुआ था, जब अपन स्ट्रेस को कम कर रहे हैं उसके लिए जो लेंथ में एक्सटेंशन है वह अब उतना नहीं हो रहा। जो लेंथ में एक्सटेंशन है स्ट्रेस के साथ, जैसे स्ट्रेस को अपन कम कर रहे हैं, अब जो लेंथ में एक्सटेंशन है वो अपन को स्लाइटली शॉर्टर देखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के साथ। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को परफेक्टली ओबे नहीं करता है। जब अपन लोडिंग करते हैं लोडिंग के पीरियड में तो क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ाने के साथ साथ स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन क्या हुआ, जैसे अपन ने स्ट्रेस पे अप्लाई किया और उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई, इस काम में अपन ने कुछ वर्क किया, इस वर्क की वजह से उसमें हीट जनरेट होती है। इस हीट के जनरेट होने से क्या होता है, जैसे जैसे उस पर स्ट्रेस अप्लाई होता है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, स्ट्रेन उसमें डेवलप हो जाता है। इस हीट की वजह से आप, जैसे कि आपको पता है किसी भी अगर अपन वायर को हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से उसकी लेंथ में एक्सटेंशन अपन को देखता है, देखने को मिलता है। तो इस हीट की वजह से क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेन होती है उस स्ट्रेन में इंक्रीमेंट हो जाता है, वायर की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब अपन जैसे जैसे स्ट्रेस को कम करते हैं स्ट्रेन भी कम होता है, लेकिन उस अनुपात में वो कम नहीं होता, उसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। अब स्ट्रेस बढ़ाए बिना ही स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे आप स्ट्रेस कम करोगे, अनलोडिंग करोगे, तो लेंथ तो कम होगी पर लेकिन उस अनुपात में वो लेंथ अब कम नहीं होती। तो ये जो अपन को डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं इसकी वजह से हमारे पास एक लूप क्रिएट होता है लोडिंग और एक अनलोडिंग के पीरियड में। तो ये जो लूप होता है इस लूप को अपन बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप।
दिस इज बिकॉज द वायर डज नॉट ओबे हुक्स लॉ परफेक्टली। जो रबर का थिक वायर है हुक लॉ को कम्प्लीटली ओबे नहीं कर रहा है, परफेक्टली ओबे नहीं कर रहा है। द लूप्स ऑफ फॉर्म बाय लोडिंग एंड अनलोडिंग द वायर इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। इस प्रकार से जो लूप बनता है उसे अपन हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। आइए इसको डायग्राम से मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। अपन ने अभी तक क्या करा था, अपन ने जैसे जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया था, यानी कि जैसे जैसे अपन ने वेट इंक्रीज किया था उसके ऊपर फोर्स लगा था, फोर्स लगने की वजह से जो वायर उसकी लेंथ में अपन को एक्सटेंशन देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं लोडिंग वाला जो ग्राफ है आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा होगा, ये लोडिंग वाला ग्राफ है। लेकिन जैसे जैसे अपन वेट्स को अनलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि जो अनलोडिंग वाला ग्राफ है वो लोडिंग वाले ग्राफ से अलग है, दोनों में अपन को असमानता देखने को मिलती है। यदि हुक्स लॉ ये फॉलो करते तो जैसे लोडिंग हुई थी अनलोडिंग के पीरियड में भी ये वैसा ही ग्राफ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अपन को एक लूप क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है लोडिंग और अनलोडिंग के पीरियड में। तो ये जो लूप होता है इसी लूप को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ द फोर्स, यदि अपन फोर्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम जब अपन को रबर को स्ट्रेच करना था तो अपन को वहाँ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना था बजाय कि जब अपन को अनलोड करना था। यदि अपन टाइम की बात करें तो क्या होता है, जो फोर्स होता है यानी कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेंथ से लेग बिहाइंड हो जाता है, स्ट्रेंथ से जो फोर्स है वो पीछे रह जाता है। यदि अपन एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, जब अपन को वायर को स्ट्रेच करना था यानी कि जब लोडिंग करनी थी तो अपन को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जब अपन अनलोडिंग कर रहे हैं तो अपन को लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है ये कहाँ गया, तो ये अमाउंट जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है हीट की फॉर्म में क्या हो जाता है, बाहर एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाता है। जो अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी है ये क्या हो जाता है, डिसिपेटेड हो जाता है एनवायरनमेंट में हीट की फॉर्म में। इसी को अपन बोलते हैं, इसी इफेक्ट को अपन बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। क्या बोला मैंने, जब अपन लोडिंग कर रहे हैं तब अपन को अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन जब जैसे अपन अनलोडिंग करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, तो ये जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है ये होता है डिसिपेट होने लग जाता है एनवायरनमेंट में हीट की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसी को अपन इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं। अब देखते हैं ये किन मटेरियल्स में पाया जाता है, किन में नहीं पाया जाता। इट इज़ मोर प्रोनाउंस व्हेन द लोडिंग एंड अनलोडिंग इज डन क्विकली देन व्हेन इट इज डन स्लोली। एक बात और समझिएगा, ये जो इफेक्ट है ये अपन को ज़्यादा कब देखने को मिलता है, जब लोडिंग अनलोडिंग का काम क्या हो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा हो तो अपन को जो अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड है वो भी अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ मटेरियल होते हैं जो हार्ड मटेरियल होते हैं जो इलास्टिक हिस्टेरेसिस शो नहीं करते, लेकिन जो कुछ हार्ड मटेरियल होते हैं वो इलास्टिक हिस्टेरेसिस शो करते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट और मार्बल। जो रबड़ होता है उसके अंदर इलास्टिक हिस्टेरेसिस की अपन को ज़्यादा डिग्री देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या होता है, कैसे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसमें डिसिपेटेड होती है, क्या इसका ग्राफ होता है, सब आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।